जंगल में एक खरगोश रहा करता था। उसका पूरे दिन में काम हुआ करता था इधर से उधर उछलना। उसको हर वक्त अपनी तेज होने की तारीफें सुनना बहुत पसंद थी। मैं इस जंगल का सबसे तेज जानवर हूँ, कोई है जो मुझसे मुकाबला करे रे इसमें? ये बात तो है कि वो पूरे जंगल में सबसे तेज भागता था, लेकिन सारे जानवर उसको अपने ऊपर इतना फखर होने पर थोड़ा गुस्सा थे। वो एक बार भी उससे नहीं जीते थे। यस, मैं फिर जीत गया क्योंकि मैं यहाँ सबसे तेज हूँ। जब भी वो कहीं पे भी जाता था वो यही कहता था कि कोई भी मुझसे जीत नहीं सकता, मैं सबसे तेज भागता हूँ। उसकी ये बातें पूरे जंगल को परेशान करने लगी। हाँ, वो बहुत तेज भागता है, लेकिन वो जो इतराता है ये बात ठीक नहीं है। लगता है उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। जंगल के सारे जानवरों ने ये फैसला किया कि वो कछुए के पास जाएंगे। कछुआ बहुत हल्के चलता है, उसे वहाँ जाने में एक दिन लग जाएगा जहाँ पे खरगोश एक मिनट में जा सकता है। कछुए को यकीन था कि एक दिन वो खरगोश को हरा देगा। और वो जंगल के जानवरों के पास आया और बोला कि मुझे खरगोश के साथ रेस करनी है। तुम उसके साथ रेस करोगे? तेज से तेज जानवर भी उससे नहीं जीत पाया, तुम कैसे जीत सकोगे? तुम लोग ये बात मुझ पर छोड़ दो। कछुआ खरगोश के पास गया। कैसे हो खरगोश भाई, मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। खरगोश ने हैरान होके पूछा, आखिर तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम यहाँ के सबसे तेज तरीन जानवर हो, लेकिन ये तुम्हारी एक भूल है। मैं साबित कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रेस लगाना चाहता हूँ, देखते हैं कौन कितना तेज है। जैसे ही कछुए ने अपनी बात कही, खरगोश जोर जोर से हंसने लगा और सारे जानवर वो सब कुछ सुन रहे थे। तुम और मेरे साथ रेस लगाओगे? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तुम जानते हो मैं कितना तेज दौड़ता हूँ, तुम चल भी नहीं पाओगे और मैं रेस जीत जाऊंगा। जब तक रेस शुरू नहीं हो जाती किसी को क्या पता। चलो फिर तैयार रहना कल सुबह के लिए। जब कछुआ वहाँ से जाने लगा तो खरगोश पीछे से हंसने लगा। अगले दिन की सुबह जंगल के सारे जानवर साथ आ गए। उन्होंने देखा कि कछुआ स्टार्टिंग लाइन पर रुका हुआ है और वो बिल्कुल तैयार है। कछुए को अपने ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए वो हंस रहा था। हमें तो बता दो कि आखिर तुम ये रेस जीतोगे कैसे? जैसे कि तुम लोगों ने बताया कि उसे अपने आप पे बहुत फखर और नाज है, तो फिर तुम देखना कि आखिर में होता क्या है। बहुत देर बाद खरगोश साहिब तशरीफ लाए, अपने हाथ में एक गाजर लेकर रेसिंग लाइन पर आ गए। चलो इस रेस को जल्दी खत्म करते हैं, मुझे जाकर नाश्ता भी करना है। बस वो रेस स्टार्ट करने ही वाले थे, जो भी डेडलाइन को पहले पार कर लेगा वो जीत जाएगा। वो दोनों लाइन पर खड़े हुए, रेस स्टार्ट हुई और हमेशा की तरह खरगोश आगे निकल गया। दूसरी तरफ कछुआ आराम आराम से चलने लगा। वो खरगोश बहुत तेज जा रहा था। जंगल के सारे जानवर ये देख रहे थे कि कछुआ हार रहा है। थोड़ी देर भागने के बाद खरगोश रुक गया और देखने लगा, और उसे कोई नहीं दिख रहा था। इस तरह ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रात कर देगा, इससे बेहतर है कि मैं यहाँ बैठ के कुछ खा लेता हूँ। खरगोश ने अपनी गाजर को खाना शुरू किया और सड़क पर देखा बहुत दूर से कछुआ आ रहा था। कछुए को देखते ही वो खड़ा हुआ और भागने लगा। खरगोश बस फिनिश लाइन तक पहुंच गया था।
मुझे नाश्ते के बाद फिर दोबारा नींद आ रही है। ऐसा करता हूँ, यहाँ टेक लगाकर थोड़ी देर सो जाता हूँ। उस खरगोश को अपने ऊपर बहुत भरोसा था और वो थोड़ी देर के लिए सो गया। वो कछुआ अभी भी अपनी पूरी ताकत से चल रहा था, लेकिन पूरे हौसले से। आखिर में वो खरगोश के बराबर में आया और उसने देखा कि खरगोश एक बहुत गहरी नींद में है। बगैर रुके कछुआ चलता गया। थोड़ी देर बाद खरगोश उठ गया। जब उसने देखा तो उसे कछुआ नहीं दिखा। वो तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, रेस छोड़ के भाग गया होगा। मैंने अपनी रेस जीत ली। जब खरगोश हल्के हल्के अपनी रेस खत्म करने जा रहा था तो वो देखता है कि कछुआ बस रेस खत्म कर ही चुका है, बस वो फिनिश लाइन को छूने ही वाला था। अपनी सारी ताकत लगा के खरगोश ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन कछुआ अपनी रेस खत्म कर चुका था। जंगल के कुछ जानवर फिनिश लाइन पर इंतजार कर रहे थे। सारे जानवर कछुए को हवा में उछालने लगे खुशी से। कछुआ भी बहुत खुश था और खरगोश कोने पे खड़े होकर रो रहा था। कछुआ जो रेस जीत चुका था वो उसके पास आया। मेरी बात गौर से सुनो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है कॉन्सेंट्रेट, चाहे वो कोई भी काम हो। अपने आप पे गुरूर करना और दूसरों को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं। मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कहता हूँ दिल से कहता हूँ और दिल से करता हूँ। तुम ठीक कहते हो, मैं अब कभी भी इस तरह दिखावा नहीं करूँगा। मुझे अब जाना चाहिए क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है। कछुआ हंसते हंसते अपने घर की तरफ निकल गया। खरगोश ने आज एक नया सबक सीखा है। उस दिन के बाद से उसने कभी अपने ऊपर घमंड नहीं किया और न ही कभी किसी से रेस की।